अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। और भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। एक दिन हमारी मुलाकात नहीं हो सकी है और उसकी रीज़न बहुत ज़्यादा है, मतलब एक्सप्लेन करूँगा जब जो है पूरा प्रॉपर टाइम मिलेगा और वक्त आएगा तो ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। सो आप बताएं भी, आप सब खैर ऑफिस से हैं और जो है कल आपने फिर सही छुट्टी को इंजॉय किया या नहीं किया, मुझे आपने ज़रूर बताना है इस बारे में, ठीक है ना। अभी पता चले कि यार जब मैं छुट्टी पर होता हूँ तो आप में से कौन कौन है कि जो फुल टाइम एंजॉय करता है छुट्टी को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं भी अपना लेक्चर, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो था वो नहीं पढ़ा और जो कल हमारा लेक्चर मिस हुआ बेफिक्र रहे, मैं उसका आपको पता है कि मेकअप क्लास ले लूंगा, ठीक है ना। आप बेफिक्र रहे, उसको हम उसकी एफिशिएंसी को पूरा कर लेंगे। अच्छा, एक काम और भी है और वो ये कि मैंने आज सुबह एक पोस्ट की थी आप लोगों के लिए, उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक तो ये कि आज की लेक्चर स्लाइड्स जो है वो शेयर कर दी भी हैं, ठीक है। आप में से मुझे लगता है कि जो है कुछ लोगों ने डाउनलोड भी की होंगी, इसको पढ़ा भी होगा क्योंकि पढ़ना चाहिए ना उसको, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने जो है एक और काम भी किया था, वो ये कि शाम का एफ एल पी बताया था कि क्या होगा। ये कोई नई बात नहीं है कि मैंने एफ एल पी का जो है सिलेबस आप लोगों को आज बताया। देखो, मैंने जो लास्ट आप लोगों का टेस्ट दिया था जो दो दिन पहले लिया था, जिसमें कि हमने पहले चार जो चैप्टर्स थे उनके जो एमसीक्यूज थे, मतलब जो थे एमसीक्यूज रिवाइज किए थे, उनके कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया था। तो उसी दिन मेरे आपको बता कि हम जो है चार चार चैप्टर्स करके अपने सिलेबस वन को, यानी कि जो पार्ट वन का सिलेबस है उसको रिवाइज करेंगे। तो चार चैप्टर्स हो चुके थे, अब रिमेनिंग चार चैप्टर रह चुके थे जो कि मैंने आप लोगों को पोस्ट भी कर दिए हैं कौन कौन से हैं, वो सारे के सारे मैंने जो है अब आज के टेस्ट में शामिल किए हुए हैं। चार चैप्टर्स रिमेनिंग जो पार्ट वन सिलेबस के थे, तो वो आपने अच्छे से करने, ठीक है। उसकी रिविजन सिर्फ आपने करनी, भी उसको रेडी नहीं करना, तैयार नहीं करना। यार आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते हो कि तैयारी आप लोगों की हो जानी चाहिए। हमने दो सेशन स्टार्ट किए हैं एमडी कैट के, एक आप लोगों का चल रहा है, एमडी कैट नम्स का चल रहा है। एमडी कैट नम्स का जो है इतने टेस्ट नहीं होते, उनका पूरे जो है हफ्ते में सिर्फ एक एफएलपी होता है, पूरे हफ्ते में सिर्फ एक एफएलपी, उनका सब्जेक्ट वाइज नहीं होता। आप लोगों को तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमने प्रोवाइड की हुई है कि हर दिन आपका टेस्ट होता है चैप्टर वाइज भी, सॉरी सब्जेक्ट भी, उसके बाद एफएलपी होता है। तो आप लोगों की ज्यादा प्रैक्टिस है उनकी निस्बत, तो आप लोगों को अच्छे से करना है और बहुत अच्छे से इसको करना है, ठीक है। और जो है आज का टेस्ट अच्छा होना चाहिए आप लोगों का। पिछले टेस्ट की मैंने अभी तक जो है आप लोगों के साथ उसकी जो आंसर की है वो शेयर नहीं की हुई। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो है मैं आप लोगों के साथ जो चैप्टर वन है, जो पिछला टेस्ट है, ठीक है, उसकी सॉल्व फॉर्म में आंसर की जो है वो शेयर करूँ। और इस टेस्ट की भी जो है सॉल्व फॉर्म में आंसर की जो है आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ, ठीक है जी। तो आप लोग फिर मुझे उम्मीद है कि जो है रेडी होंगे फॉर द टेस्ट और टेस्ट की तैयारी भी आप लोगों ने की होगी, क्योंकि थोड़े से गप्पे इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि मेरी स्लाइड्स जो है वो रेडी हो जाए, फिर मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। और जो है ना हम फिर बात में नहीं करेंगे, हम जस्ट फोकस करेंगे अपने लेक्चर पे, जो हमने पढ़ना है आज उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई जी। अच्छा, और क्या डिस्कस करने लायक था, और क्या डिस्कस करने लायक था। एक तो हमने जो है एक पहले भी डिसाइड की थी क्लास, जो कि हमने कहा था हम डिस्कशन करेंगे, और वो डिस्कशन हमने कहा था कि जो हमारे प्रीवियस जो चैप्टर वन था, मतलब चैप्टर वन से मुराद ये है कि पार्ट टू का जो चैप्टर वन था, यानी कि ग्रुप्स जो हमारे थे उसमें कुछ पॉइंट्स हमारे वीक थे, ठीक है, वो हमने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे, वो भी हमें भी डिस्कस करना है, उस हवाले से भी हमें नाम निकालना है। और एक क्लास हमारी कल जो मिस हुई है उसको भी हम जो है देखेंगे, उसको भी हमने जो है डिस्कस करना है, ठीक है, लेटर ऑन उसके मतलब भी बात करेंगे। ले जनाब, आपकी स्लाइड जो है वो रेडी हो चुकी हैं और हम अब अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो हमने स्टार्ट कहाँ से करने, हमने लास्ट टाइम जो था वो डिस्कस किया था किस हवाले से, हैलोजेंस के हवाले से डिस्कस किया था। तो हैलोजेंस जो हैं, ठीक है, उनसे तली बात करेंगे, सिर्फ बच्चों की बात सुन लें भी बताएं। हाँ, अब आपके कमेंट्स में दिख रहे हैं तो आप बता दें क्या आज 8 बजे है टेस्ट भी, टेस्ट 8 बजे कह रहे हैं, चले 8 बजे मान लेते हैं, आप लोगों का टेस्ट 8 बजे कर लेंगे, लेकिन टेस्ट जो है वो तमाम लोग, मतलब चैप्टर्स का होगा रिमेनिंग जो पार्ट वन सिलेबस के रह चुके थे, यानी कि जो पहले चार चैप्टर्स हुए थे पार्ट वन के, उसके बाद वाले जो चार चैप्टर्स हैं उनमें से टेस्ट आप लोगों का होगा। टेस्ट के टॉपिक्स कौन से हैं भाई, शरीका मेरी आज की जो पोस्ट है उसे मेहरबानी होगी आप अगर देख लें
तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ करना नहीं पड़ेगा। क्या है आज का टेस्ट में अभी ज्वाइन किया है? देखा ना भाई, आप लोग जो है ना अभी सो के उठते हो और उठने के बाद फौरन से क्लास में आ जाते हो, तो भी पहले पोस्ट तो देख लिया करो, वो तो देख लिया करो। सर बहुत ज्यादा सिलेबस है? नहीं है मेरा सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आपने इसकी पहले प्रैक्टिस की हुई है और आपने इतने टेस्ट दिए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है कोई मुश्किल आपके लिए काम है, कि मुश्किल टास्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात नहीं चाहते हैं, खत्म करते हैं और जल्दी से काम पर आते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ना है। तो लें जनाब, फर्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर हेलोजेंस की हम बात कर रहे थे। सर आपका ईकेट का रिजल्ट क्या है? भी ईकेट का, ईकेट की जहां तक रिजल्ट की बात है तो अच्छा रहा, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रहा। हमारे जो है बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनकी सीट जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं ईकेट के बलबूते पर। यूनिवर्सिटी में हम उसको बाकायदा अनाउंस करेंगे, ठीक है, तो वो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है ना, वो आपको मिल जाएगा कि भाई कितने कितने मार्क्स है। सर क्रैश कोर्सेज, व्हाट आर क्रैश कोर्सेज भी अभी तक उससे मुतलिक कन्फर्म नहीं है, बताऊंगा बाद में। फिलहाल हम जो है इससे मुतलिक बात करेंगे जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। हेलोजेंस की बात करेंगे, हेलोजेंस जो है अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है भी हेलोजेंस एज ब्लीचिंग एजेंट की हम बात करेंगे। हमने शायद ये पहले भी जब इसकी जो है यूजेस की बात कर रहे थे, हम क्लोरीन के बेसिक तौर पे यूजेस की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि हम जो है क्या कर सकते हैं भी, हम जो है इसके थ्रू ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर कर सकते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पजेज के लिए, जैसे कि हमें चूंकि इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडाइज प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं हेलोजेंस जो है स्पेशली क्लोरीन जो है इसका हम इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के लिए। ठीक है जी, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। और ब्लीचिंग पाउडर की जहां तक बात है तो इसका केमिकल फार्मूला जो है वो है CaOCl2। ठीक है, इसको हम ब्लीच करते हैं, ब्लीच जो है करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉटन, लिनन और पेपर पल्प, यानी जो इनके इंटेंसिटी ऑफ कलर है उसको रिमूव करने के लिए हम इसको, यानी इस सब्सटेंस को, यानी इस जो है केमिकल को इस्तेमाल करते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे। और अब यहाँ पर जो है रिएक्शन भी मेंशन किया हुआ है कि वो कौन सा स्पेसिफिक आयन है जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि जो है वो एज अ आप कह सकते हैं कि ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे, या इसकी ब्लीचिंग पावर जो है किस चीज पे मुनहसर करती है। ये मेंशन किया हुआ है द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू द हाइपोक्लोराइड आयन विच इज CLO-। ठीक है, और ये जो है ये करता क्या है, ये नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो कि फर्दर जो है एक्शन करती है, इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है। ठीक है भाई, बताएं यहां तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अच्छा भाई, यहां तक बताएं। सॉरी सर, सॉरी टू बॉदर यू सर, बट मैंने अभी ज्वाइन किया है, प्लीज आज का टेस्ट सिलेबस बता दें भाई। हिमशाह, आज के टेस्ट की सिलेबस आपको तब पता चलेगा जब आज मेरी आज सुबह की जो पोस्ट है ना उसको आप देखेंगे भी, हम नहीं बताते यहाँ पर। हिमशाह नाराज हैं आपसे, आप बिल्कुल भी लेट आ गई हैं ना। ठीक है, बहुत बुरी बात है। सिलेबस उस्मा गुल आपको जो है मेरी पोस्ट से मिलेगा यार, क्या करते हैं। रीच सर ने टाइमिंग 8 PM कर दी है टेस्ट की, बिल्कुल 8 PM कर दी है। रिमशा ने पोस्ट भी किया था, किसको पोस्ट किया था भाई? रिमशा हमरा क्या कर रहे हैं आप लोग, रिमशा सर की पोस्ट पढ़ो अभी। बिल्कुल बिल्कुल सर की पोस्ट पढ़ लो, मेहनबानी होगी, सर की पोस्ट पढ़ लो। ठीक है, अच्छा बताएं यहाँ तक कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन है जल्दी से बता दें। सर सर जी समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया सना आपको, क्या चीज समझ नहीं आई? नेसेंट ऑक्सीजन कैसे ब्लीच करेगी भाई, उसकी इफेक्टिवनेस आप जानते हैं, शायद आप लोगों ने जो है वो ऑर्डर देखा होगा रिएक्टिवनेस का, कि सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्टिव स्पीशीज में शुमार होते हैं वो हमारे पास नेसेंट जो है एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि एटॉमिक फॉर्म ऑफ एटम्स होते हैं, उसके बाद रेडिकल्स होते हैं, फिर आयंस होते हैं। चूंकि रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है तो ये रिएक्ट करते हैं कलरिंग पिगमेंट्स के साथ, ठीक है, उसको रिमूव करते हैं। सर नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो डर्ट या ऑर्गेनिक मैटर और क्लॉथ्स टू रिमूव देम, बिल्कुल ऐसा ही है, जो कलरिंग पिगमेंट है उसको रिमूव करवाने के लिए हम कहते हैं कि इसका इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पावर। देखो कामिल, हम इसको एज अ ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी एबिलिटी टू ब्लीच कितनी है इसको ब्लीचिंग पावर कहते हैं भाई। इसको रिपीट करने क्या रिपीट करना यार, एक बहुत जो है आसान और बहुत क्या कहते हैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है कि भाई हम ब्लीच हैलोजन्स जो है स्पेसिफिक तौर पर क्लोरीन का हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है,
और ये इसका केमिकल फार्मूला जो है वो CaOCl2 है, ठीक है, जो ब्लीच करता है कॉटन लिनन या पेपर पल्प को। और इसमें जो एबिलिटी है किस चीज़ की भाई ब्लीच करने की, वो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोराइट आयन है जो कि नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, वो रेड करता है और जो है हमारे लिए ब्लीचिंग जो है क्या कहते हैं वो करवाता है, कंप्लीट करता है। क्लोराइड आयन में एबिलिटी नहीं है ब्लीच करने की भाई, क्लोराइड आयन है कहाँ पर, वो जो सेकेंड वन आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी निस्बत क्या आपका नेसेंट ऑक्सीजन ज़्यादा रेक्टिव नहीं है, रेक्टिवनेस ज़्यादा होने की बुनियाद पर हम कहते हैं कि वो इफेक्टिव रोल प्ले करता है, दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग के हाइपोक्लोराइड से नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और वो हमारा ये काम करता है, ठीक हो गया। अच्छा, कोई और क्वेश्चन इसके अलावा? नेसेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन जो है इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं और ये रिएक्टिवनेस ज्यादा होने की बुनियाद पर रिएक्ट करेगा। एमसीक्यूज भी करवा दें प्लीज, बिल्कुल ठीक है, और रिबा करवाते हैं, पहले ये हम कंप्लीट कर लें यार, आप लोग जो है ना थोड़ा सा वेट करें, वो भी कर लेंगे। पहले तो ये बताओ इसमें को मसला यार, नेसेंट ऑक्सीजन सिंपल एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, सिंगल एक एटम को जो जिसका डुप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो रिएक्टिव होता है, इसको नेसेंट कहते हैं एलिमेंट, जैसे नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट नाइट्रोजन, ये कहलाते हैं, ठीक हो गया, समझ आ गई आप लोगों को। तो फिर हम नेक्स्ट चल सकते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलें। एक रिएक्शन हमने अंडरस्टैंड करना है सर, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, बिल्कुल ज्यादा होती है भाई, बिल्कुल ज्यादा होती है, ठीक है, न्यूली बॉन्ड, बिल्कुल सही कहा आपने, क्या ही बात है आप लोगों की तो भाई। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं आगे, और इस वक्त जो है हम डिस्कस करेंगे डिसप्रोपोर्सिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। मैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ले आता हूं इसको, ये डिसप्रोपोर्सिनेशन रिएक्शन होते क्या है, इसका मतलब बेसिकली तौर पे क्या होता है, ठीक है। देखो, हम कहते हैं कि डिसप्रोपोर्सिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि ये वो टाइप ऑफ रिएक्शन होंगे कि जो क्या करेंगे भाई, जिसके अंदर एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होंगे और रिड्यूस भी होंगे, इस तरह के रिएक्शंस को, यानी एक ही वक्त में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे होंगे, इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं डिसप्रोपोर्सिनेशन रिएक्शन, ठीक है, यानी वो टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें कि एक ही एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो है वो ऑक्सीडेशन भी करवा रहा हो, ठीक है, अपने अंदर और रिडक्शन भी करवा रहा हो, ठीक है, इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं डिसप्रोपोर्सिनेशन रिएक्शन, ठीक है, और इसको हम सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का नाम भी देते हैं। इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि इसी के अंदर, यानी कि खुद से ही एक जो है एक ही एटम या आयन या मॉलिक्यूल जो है वो अपने अंदर ऑक्सीडेशन भी कर रहा होता है और रिडक्शन भी कर रहा होता है, ठीक है जी। और इसके अलावा हम कहते हैं भी, अब देखो मैं आपको रिएक्शन राइट करके समझाऊंगा भी कि किस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो अपना हम कहते हैं ये डिसप्रोपोर्सिनेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। क्लोरीन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव NaCl एंड NaClO, ठीक है। अब उसमें ये रिएक्शन जो है, मतलब हम राइट करते हैं और देखते हैं कि उसमें जो है क्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से वेरी कर रहा है। एक ही एटम के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है इसको डिस्कस करते हैं थ्रू अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी। अभी हम केमिकल रिएक्शन के ऊपर जरा थोड़ा सा गौर कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है आगे चलेंगे। सो देखिए जनाब, हम रेड करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, विद Cl2 एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट विल फॉर्म NaCl, ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास बनेगा NaClO और वाटर प्रिपेयर होगा, ये तीन पास प्रिपेयर होती हैं, ठीक है। शायद आप लोगों को जब हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स के हवाले से पढ़ा था, उसके कुछ रूल्स पढ़े थे, तो वो आपको याद हो, आपने उन रूल्स में ये बात पढ़ी भी है, ठीक है, कि जब भी हम बात करते हैं डायटोमिक होमोटोमिक मॉलिक्यूल की, तो डायटोमिक होमोटोमिक मॉलिक्यूल जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा हमारे पास, जीरो होगा, ठीक है जी। तो अब यहां पर देखें, कंपाउंड की बात करते हैं, आप जानते हैं कि NaCl में सोडियम जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ठीक है, और क्लोरीन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ठीक है जी। इस तरीके से इस कंपाउंड को अगर हम देखें, तो हम जानते हैं कि जब हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स के रूल पढ़े थे, तो उसमें कहा था कि ओवरऑल जो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एक न्यूट्रल स्पीशी के लिए वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं -2 होता है, सोडियम का आप जानते हैं कि ये +1 होगा। तो यहां पर अगर जो हमें क्या करना हो भाई, ओवरऑल मॉलिक्यूल को न्यूट्रल बनाना हो, तो हमें इस क्लोरीन के ऊपर +1 चार्ज लगाना होगा। सो +1 +1 विल गिव यू +2 एंड +2 and -2 विल बिकम्स जीरो, ठीक है जी। सो इस तरीके से हम ये बात देखते हैं कि क्लोरीन एक दफा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से
माइनस वन में जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवा रहा है, सो इट्स कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि भाई जो है क्लोरीन जीरो से प्लस वन में जा रहा है, इट मीन्स कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा रहा है, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो एक ही जो है प्रोसेस में, एक ही रिएक्शन के अंदर एक ही एलिमेंट दो तरह से बिहेव कर रहा है, रिडक्शन भी करवा रहा है और ऑक्सीडेशन भी करवा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं, इट्स कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें कोई बात आपने अंडरस्टैंड करनी हो तो आप मुझसे पूछेंगे, नहीं तो हम आगे चलते हैं। और भाई देखो यहां मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये कि हनी ये जो बंच कोई भी है, ये मैं आपको बता दूं कि मुझे एक मिनट नहीं लगेगा आपको ब्लॉक करवाने में। युवास जीसीयू जो भी एडमिशन आप जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं बहुत अच्छा है, सबके लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन यही बात अगर आपने क्लास में डिस्कस करनी है तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। आप इसके लिए पोस्ट करें और स्टूडेंट्स को अवेयर करें, जैसे मर्जी करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर इस तरह की बात नहीं चलेगी। अगर आपने नेक्स्ट टाइम इस तरीके से किया तो मैं आपको विद इन सेकेंड्स आपको ब्लॉक करवा दूंगा, इट्स फाइनल, ठीक है। कोई और बात, कोई और कंफ्यूजन यहां तक बताएं, कोई मसला आप लोगों को तो फिर पूछ लें, नहीं तो फिर जो है क्लियर लिख दें ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें। जल्दी जल्दी बताने आप लोगों ने नहीं जानी है, जल्दी जल्दी, ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें। हाँ अभी फायदा बहुत दिन हो गए वैसे मैसेंजर का जो है वो की शक्ल, लेकिन करूंगा कोशिश, बल्कि कोशिश नहीं लाजमी करूंगा क्योंकि आगे छुट्टी आ रही है 14 अगस्त की। सर ये ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भी, हो सकता है Cl2 plus water it will give you HCl and HOCl। हाँ यार ये बात तो हम छोड़ ही गए थे, ये हमने पिछले दिनों रिएक्शन पढ़ा हुआ है जो अभी हम जो है डिसइंफेक्शन वाटर कर रहे थे वाटर की ना विद क्लोरीनेशन, तो उसमें ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की एग्जांपल है। सर NaOH रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर अगर हम देखें ना, बिल्कुल सही कह रही है, वैसे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही जो है वो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, रिएक्शन करवा रहा है इस क्लोरीन के अंदर, तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरह से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन लाजमी नहीं है, रिएक्शन कंडीशंस भी मेरी मैटर करती हैं। अगर आप इसी जो है अगर आप जो है टॉपिक को देखें बुक से, तो उसके नीचे टेम्परेचर कंडीशन वेरी करने से रिएक्शन की नेचर यानी प्रोडक्ट की नेचर चेंज हो रही है, अगर आप देखें तो उसमें, ठीक है। अच्छा अगस्त एकेडमी ऑफ होगी, हाँ जी बिल्कुल ऑफ होगी। आप व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई नहीं करते, व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई नहीं कर रहा सर। 14 अगस्त की छुट्टी होगी, बिल्कुल होगी यार, छोड़ दो यार छुट्टी को, तो छोड़ दो इतनी मेहरबानी, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, और अब हम डिस्कस करेंगे किसको भाई, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि यूजेस ऑफ नोबल गैसेज हैं, ठीक है, इसको हमें डिस्कस करना है। लें भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर यूजेस ऑफ नोबल गैसेस मौजूद हैं, हम वन बाय वन इनके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करके तो हम फिर टेस्ट की तरफ जाते हैं, टेस्ट पे जो है वो डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं यानी कि एमसीक्यूज की फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। भाई छुट्टी होती है, ऑब्वियसली बिल्कुल सही कहा आपने हनी, ठीक है। अच्छा देखो फर्स्ट एलिमेंट नोबल गैस का, नोबल गैस क्यों कहते हैं इसको भी, नोबल गैस इसलिए कहते हैं कि इनका ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट होता है, दे आर मच स्टेबल गैसेस, ठीक है। तो चूंकि ये स्टेबल है तो स्टेबल होने की बुनियाद पर जो है हम कहते हैं कि चूंकि इनका डुप्लेट ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, इसकी बुनियाद पर ये यूनिमॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर यानी यूनि एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर जो है ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो पहला एलिमेंट इसमें कौन सा है, हीलियम है, ठीक है, हीलियम हमारे पास पहला एलिमेंट है। इसकी आप यूजेस जो है वो देख लें, तो फर्स्ट यूज लिखा हुआ है कि वेदर बैलून्स, वो वेदर बैलून्स का मतलब पता है आप लोगों को, जो बड़े बड़े से गुब्बारे होते हैं जिसमें नीचे और लोग जो है उसके थ्रू हवाओं का रुख करते हैं, ठीक है जी, सैर करते हैं दूर दूर की, ठीक है जी, और वो उड़न जो है कहते हैं ना वो उड़ता है, ठीक है, और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है। तो वेदर बैलून में इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग इनर्ट एटमोसफेयर इन बिल्डिंग, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इवन कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं लैब में था, तो खास अब तो जो है वो कोविड की वजह से लैब भी मेरी क्लोज हो चुकी है, ठीक है, जब मैं खुद लैब में था तो जो मैं एक्सपेरिमेंट्स करता था तो उसमें भी मुझे जो है बहुत से रिएक्शंस के लिए इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए होता था, ठीक है, और उस इनर्ट एटमॉस्फेयर मैंने खुद हीलियम का इस्तेमाल किया हुआ है। इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास उस एटमॉस्फेयर यानी उस एनवायरनमेंट के अंदर जहां हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं कोई और गैस ना हो या कोई इंप्योरिटी ना हो कि जो डायरेक्टली तौर पे हमारे रिएक्शन मिक्सचर के साथ रिएक्शन मटेरियल के साथ रिएक्ट कर पाए, ठीक है, और उसे किसी और चीज में जो है बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो करवा दे, ठीक हो गया। तो हमने जो है इनर्ट एटमॉस्फेयर डेवलप करना होता है, हीलियम जो है
ये इनर्ट इनर्ट इसलिए क्योंकि इसका डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ये बहुत कम रिएक्ट करता है, बहुत कम कंडीशंस हैं जिनके ऊपर ये रिएक्ट करता है, ठीक है। इसको इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स, बिल्कुल वो जो ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स हैं उनके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और एज अ मिक्सचर ऑफ 80% हीलियम एंड 20% ऑक्सीजन इन द सी डाइवर्स फॉर ब्रीथिंग, ये आप जो है चैप्टर नंबर थ्री में पढ़कर आ चुके हैं, जब आपने जो है वहां पर गैसेस की बात की थी, तो उसमें जो है राटन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में उसकी एप्लीकेशन में आपने ये बात पढ़ी थी, लास्ट एप्लीकेशन उसकी थी अगर आपको याद हो, ठीक है। और एज अ कूलिंग मीडियम फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बिल्कुल ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, और टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हुए उसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, रिएक्टर का टेम्परेचर वो कूल डाउन करता है, थोड़ा करता है, क्योंकि आप जानते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर अच्छे खासा टेम्परेचर जो है उसका होता है, ठीक है। अभी पैराशूट नहीं है, ये पैराशूट नहीं है भाई, बिल्कुल भी पैराशूट नहीं है, इसको क्या मिक्स कर रही हो पैराशूट के साथ। अपनी बुक लेकर पढ़ना ना सारा दिन, ठीक है जी। अच्छा क्या चल रहा है यहाँ पे सर, ये सारे यूजेस याद करने भी यार एक दफा गो थ्रू कर लोगे, एमसीक्यूज आने क्लिक कर ही जाएगा माइंड, ठीक है, तो आंसर ठीक दे दोगे, इसमें क्या मसला है, ठीक है। बहुत प्यारा होता है वो, हाँ भी बहुत प्यारा होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। सर चैम्बर में हीलियम इंसर्ट कर दी जाती है, बट सर सिंपली वैक्यूम क्रिएट करके चैम्बर को इनर्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो कि हम जो है वैक्यूम डेवलप कर सकते हैं, लेकिन देखो मेरी बात सुनो, हम इस वक्त जो है ना मौजूदा अगर हम सिनेरियो की बात करें तो हम पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है ना, और पाकिस्तान में जो है फिर हमें पाकिस्तान की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है हमें अपनी जो जो भी क्या कहते हैं अपने रिएक्शन कंडीशन है, ठीक है, उसको मोल्ड करना पड़ता है। वैक्यूम डेवलप करने के लिए आपको बहुत हाई प्रिजर्वेशन रिक्वायर होती हैं, ठीक है, एक तो ये कि हाई लिक्विड, फिर उसके बाद ये कि जो आप वैक्यूम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, उसका उसके इर्द गिर्द भी बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो प्रोटोकॉल्स डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट होता है, हीलियम के थ्रू इनर्ट जो है एटमोसफेयर क्रिएट करना आसान होता है, तो इसलिए हम करते हैं उसको, ठीक है भाई। अच्छा कोई और बात यहाँ तक, ठीक है भाई। अच्छा भाई नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है नियॉन का, इन मेकिंग नियॉन एडवर्टाइजिंग साइन, ये तो आप लोगों को पहले भी शायद पता होगा इस हवाले से, ठीक है, और इन हाई वोल्टेज इंडिकेटर्स हैं, टीवी ट्यूब्स हैं, ठीक है, नियॉन एंड हीलियम, ठीक है, आर्क इज यूज्ड टू मेकिंग ग्लास लेजर्स, ठीक है, इनका हाई की एनर्जी होती है, तो इसलिए जो है क्या करते हैं इनको हम लेजर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं टू कट ग्लास, ठीक हो गया। आर्गन है इन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, ठीक है जी, इसके अलावा इसको फ्लोरेसेंट बल्ब में इसका ट्यूब्स में इस्तेमाल करते हैं, रेडियो ट्यूब्स में इस्तेमाल करते हैं, गीगर काउंटर है टू डिटेक्ट द रेडियो एक्टिविटी, और उसके अलावा जो है आर्क वेल्डिंग एंड कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल, आर्गन का इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर फ्लोर कटिंग के लिए जो है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक हो गया ना। अच्छा क्रिप्टॉन इन फिलिंग फ्लोरिसेंट ट्यूब्स, ठीक है, इन फ्लैश लैंप फॉर हाई स्पीड फोटोग्राफी, ठीक है, और जीनॉन का इस्तेमाल करते हैं मटेरियल लैंप के तौर पे। इन ट्यूब्स में कैसे, सर देखो यार टीवी ट्यूब्स में जो है आपने अभी आप लोगों के जो आ रहे हैं ना घरों में जो टीवी आ रहे हैं वो है एलसीडी, आप लोगों का जमाना एलसीडी वाला जमाना है, आप जो है ना 21वीं सदी के लोग हैं, हम ठहरे कोई पुराने लोग, ठीक है, बूढ़े लोग, ठीक है, तो हमारे जमाने में इतने बड़े बड़े टीवी आया करते थे, अब दिख नहीं रहा ना, मैं दिखाता हूँ आपको कितने बड़े जमाने कितने कितने टीवी आते थे, ये देखे देना, ये देखो इतने बड़े बड़े टीवी आते थे, ठीक है ना, उसके पीछे मतलब सामने जो है वो लगी हुई है क्या कहते हैं उसको स्क्रीन लगी हुई है, पीछे जो है ट्यूब होती थी जो कि थ्रो करवाती थी इलेक्ट्रॉन्स को, उसके लिए हम जो है उसमें इस्तेमाल किया करते थे इनको, आप लोगों ने नहीं देखे वो, आपकी तो एलसीडी इतनी पतली दुबली होती है, ठीक है, इतने बड़े बड़े टीवी होते थे पहले, टीवी ट्यूब्स में कैसे भी बता दिया सर ना आपको मैंने है। और अच्छा सर हमने भी वही जमाने देखे हुए यार, मुझे लगता नहीं कि वो जमाने आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन हमने तो बड़े कमाल के जमाने देखे हुए, ठीक है जी। अच्छा जी तो लास्ट वन लास्ट पॉइंट डिस्कस करके इससे जो है वो अपने इस काम से आगे चलते हैं, भी कुछ और डिस्कस करते हैं क्योंकि हम इस वक्त जो है पीछे पड़ गए हैं हैलोजन्स विचारों के, ठीक है, तो और नोबल गैसेस के चलें, भी लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। मैंने तो भी इतने बड़े नहीं देखे, हाँ देखे नहीं भी आप लोगों को जमाने के हैं, बता तो रहा हूँ आप लोगों को, सर हमारे घर में भी था, हाँ थप्पड़ मारो चलता था सही है भाई वैसे आजकल ना मैं बताऊँ को कि मेरा जो मैं बताऊँ को जो लैपटॉप मैं यूज़ करता हूँ ना दूसरा वाला लैपटॉप, मतलब एक लैपटॉप मैं इधर अपने काम के लिए लेकर आता हूँ, दूसरा लैपटॉप घर छोड़ता हूँ क्योंकि बच्चों ने उसका कबाड़ा करना होता है, आजकल उस कबाड़े का हाल यही हुआ है कि थप्पड़ मारो तो स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले होता है ना, मारो तो डिस्प्ले नहीं होता, ठीक है, उस बेचारे की बहुत बुरी हालत कर दी बच्चों ने।
फिर एमसीक्यूज भी साथ साथ बिल्कुल करते हैं कामिल, बस थोड़ा सा यार ये देख लें ताकि हम जल्दी जल्दी जो है आगे चल सके। अच्छा लास्ट पॉइंट था रेडोन, ठीक है, और रेडोन की बात करते हैं तो इन रेडियोथेरेपी ऑफ कैंसर और इसके अलावा अर्थक्वेक प्रेडिक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे इसके यूजेस में कुछ बात करनी है आपने, डिस्कस करना है आपने तो कर ले, नहीं तो फिर हम जल्दी से आगे चलते हैं क्योंकि हमें एमसीक्यूज की तरफ जाना है, क्योंकि एमसीक्यूज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इस बार 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 इसको कह भी रहे हैं, ठीक है। बताएं जल्दी से, जल्दी जल्दी बताना है आप लोगों ने। उसके बाद हम स्टार्ट करने लगे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे। क्या बात है भाई मानू, आप लोग बात नहीं करो तो करो, लेकिन जब मैं करूं तो फिर ना करें। देखा, यही तो डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं आप लोग अपने लिए और मेरे लिए हैं। अच्छा बैक्टीरियल लैम्प्स सर, वो यार बैक्टीरियल लैम्प्स, वो आपने कभी वो लाइट पे वाला वो देखा है, इश्तेहार देखा है, ठीक है, उस पर वो एक ब्लू कलर की जो है वो लाइट पास करता है और जो है हाथ पे बैक्टीरिया नजर आते हैं अच्छे खासे, तो वो बेसिक तौर पे वही इस तरह की चीज होती है। एवरीथिंग क्लियर, चलें भी आगे चलेंगे। सर मैंने तो वो टीवी देखा हुआ है, हमारे घर में होता था बहुत पहले, ठीक हो गया, सही मान लिया, अभी मान लिया। अच्छा चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं आगे भी। सर आपने, सर जी आपने बाहर के बातें देखें, कैंपस आपका ही है। अच्छा अभी बड़ी मेहरबानी जी, एक्सपेक्टेड डेट अक्टूबर में है, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना दोबारा सिखा दें, एसपीडीएफ शेल तक जाना काइंडली, बिकॉज ये मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसके मतलब बात करते हैं। लेकिन पहले तो जो है ना जो है हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेडियो एक्टिव एक्टिव ट्रेसर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ही बात करने जा रहे हैं, भी आपको पता है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करने जा रहे थे। मुझे स्लाइड मिल जाए ले भी। सो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम जो है अपना पार्ट टू का चैप्टर थ्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी बातें नहीं करनी यार आप लोगों ने, अभी बातें नहीं करनी आप लोगों ने, ठीक है, अभी हमने इसे डिस्कस करना है, पढ़ना है, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों से बात कह रहा था कि अब हम जो है पार्ट टू का चैप्टर थ्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हवाले से, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 बनता है पार्ट टू की केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो देखो हम ये बात करेंगे कि हमने जो डिस्कस करना है, ठीक है, वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, किन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में शुमार करते हैं। ये बेसिक तौर पे हमारे ग्रुप जो ब्लॉक नंबर ब्लॉक एस, ठीक है, और ब्लॉक पी के दरमियान के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो डी जो है इतने ब्लॉक कहलाते हैं, ये एलिमेंट और इसके नीचे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी एक्टिनाइड और लैंथेनाइड सीरीज हैं, ठीक है, इनको कलेक्टिवली तौर पे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनको हमने दो ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, डी में और एफ में ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। क्यों इनको ऐसा कहते हैं उसकी भी रीजन है, जरा अगर आप देख लें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी डिफाइन एज दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव पार्शियली फिल्ड डी और एफ सबशेल, ठीक है, इन एटॉमिक स्टेट और इन एनी आयनिक कॉमनली एग्जिस्टिंग अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इस तरह के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है जी। और इनमें आप ये देख रहे हैं कि अंडर द फिलिंग प्रोसेस कौन कौन से सबशेल हैं, एक डी है और एक एफ है, ठीक है, डी और एफ दोनों के दोनों सबशेल्स जो हैं वो अंडर फिलिंग प्रोसेस हैं, ठीक है। अब जो डी जो है एलिमेंट्स, मतलब डी जो सबशेल है, ठीक है, उसको अंडर फिलिंग रखेंगे तो वो हमारे पास डी ब्लॉक कहलाएंगे। जो एलिमेंट्स जो हैं F subshell को under filling process रखेंगे वो F block elements कहलाएंगे। So collectively तौर पे इनको हम transition elements का नाम देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नीचे मैंने इसको थोड़ा सा जो है further explain किया हुआ है कि D और F block elements से इनको हम और क्या नाम देते हैं। D block elements are known as outer transition elements while F block elements are known as inner transition elements। इनको outer और inner क्यों कहते हैं, reason ये है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बल्कि पहले ये डिस्कस कर लें कि क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब इनके ऊपर लाइट फॉल करती है तो इनमें ट्रांजिशन होती है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी एक्साइट होता है, जिसकी बुनियाद पर ये अपना कलर जो है वो शो कर रहे होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन को या एनर्जी देके उसको एक्साइट करते हैं टू द हाई एनर्जी स्टेट, तो वो जाहिर सी बात है परमानेंटली तौर पर वहां नहीं जाएगा, वो कुछ टाइम के बाद वापस जो है डी एक्साइट होगा, अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही एनर्जी को वो इमिट करेगा, और जो वो एनर्जी इमिट करेगा उसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कलर नजर आते हैं, ठीक हो गया।
तो चूंकि ये सारा कुछ ट्रांजिशन के थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन डिक्साइटेशन के थ्रू हो रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। उसकी रीजन क्या है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका आउटर सबशेल जो है वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट करते हैं या ट्रांजिशन का अमल जो है वो शो करते हैं। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिसमें के एफ सबशेल अंडर फिलिंग प्रोसेस होता है, उसमें इनर जो डी सबशेल हमारे पास होता है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल देम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और ट्रांजिशन जो है एलिमेंट्स की मोस्टली तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, वो वेरिएबल होती है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर रहे होते हैं। ठीक है, यहां तक कुछ पूछना आप लोग तो मुझसे जल्दी से आप पूछेंगे तो क्लियर मेंशन कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट ले जाऊं। डीडी ट्रांजिशन बिल्कुल इनके अंदर होती है, बिल्कुल सही कह रही है शरत। सर टिपिकल और नॉन टिपिकल के बारे में बता दें, मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आने लगी उसकी डेफिनेशन। देयर प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हाँ ये भी हम कह सकते हैं। सर इनऑर्गेनिक कितनी रह गई है, सिर्फ ये चैप्टर रह गया और कुछ रिएक्शंस हैं नाइट्रोजन और सल्फर के, सिर्फ वो रह गए, उसके बाद हम चलेंगे टुवर्ड्स ऑर्गेनिक। ठीक है, हम चले जाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ये बात करते हैं मानो अभी अभी से मतलब मैंने आप लोगों को समझाना है, यहां तक बताएं, कुछ पूछना है आप लोग तो पूछ लेने, तो फिर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं और उससे मतलब हम थोड़ी बात कर लेते हैं। 3D ट्रांजिशन है सिलेबस में, अभी 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जहां तक बात है, हम इसको 3D सीरीज के एलिमेंट्स की ही डिस्कशन करने लगे शरद, अभी करने लगे उसको। ठीक है, अभी मैं उनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करता हूं। लें जी, आपके पास ले आता हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी। तो इनकी ट्रांजिशन सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। बेसिक तौर पे इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज है, जो कि हम जो है एलिमेंट्स की डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, ठीक है, आयरन है, कोबाल्ट है, कॉपर है और जिंक है। ये तमाम एलिमेंट्स हैं जिनकी हमने बात करनी है। स्कैंडियम की जहाँ तक बात है, ठीक है जी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप गौर करें तो इसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 4s इसका कंप्लीट है, क्योंकि डी सबशेल अंडर फिलिंग प्रोसेस है, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड देम डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ट्रांजिशन को शो करता है। ठीक हो गया, इस तरीके से टाइटेनियम की अगर आप बात देखते हैं तो इसमें हमारे पास 4s कंप्लीटली फिल्ड है और उसके बाद हम कहते हैं 3D में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और आपने शायद इस बात पे गौर किया हो कि हम बात कर रहे हैं 3D और 4s की, तो 3D में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है और 4s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। ठीक है, आपने बात पढ़ी हुई है कि पहले हम जो है लोअर एनर्जी स्टेट को फिल करते हैं फिर हाई एनर्जी स्टेट में जाते हैं। हमने ये बात डिस्कस की हुई है जब हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, उसमें आपने वहां रूल भी पढ़ा था N+L का। हमने कहा था कि N+L के रूल के अकॉर्डिंग हम जो है सबशेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, द सबशेल हैविंग लोअर N+L वैल्यू, ठीक है, विल बी फिल्ड फर्स्ट एंड द सबशेल विच हैविंग मोर N+L वैल्यू विल फिल्ड आफ्टर, ठीक है, द प्रीवियस वन। ठीक है जी, सो यहां पर आप देखेंगे 4s2 जो है, 4s की अगर हम बात करें N+L वैल्यू कितनी आती है, 5 आती है, 4 आती है, ठीक है, क्योंकि S के लिए हमारे पास जो L वैल्यू है वो 0 होती है ना, आपको ये बातें याद होनी चाहिए ना। 4s में 4 इंडिकेट करता है प्रिंसिपल क्वांटम को और इसके लिए जो हमारे पास L वैल्यू है, ठीक है, एज्यूमेबल क्वांटम नंबर वैल्यू होती है वो 0 होती है, सो इसके लिए N+L वैल्यू 4 है। 3D की अगर हम बात करते हैं तो 3 जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, डी जो है L वैल्यू नहीं एस क्वांटम नंबर वैल्यू जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, 2, सो 3+2 विल गिव यू 5, ठीक है, तो चूंकि 5 लार्जर है एज कम्पेयर टू 4, भाई नहीं समझ आ रही, देखा ना मैं बात एज्यूम कर रहा था कि आप सब कुछ भूल चुके होंगे और वही बात हुई कि आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भूल चुके हैं यार, बहुत 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 बुरी बात है। ठीक है जी, बोर्ड पे समझा दें, N+L वैल्यू की बात करें, देखो 4s को पहले फिल कर रहे हैं, 3D को बाद में फिल कर रहे हैं और ऐसा क्यों है, रीजन क्या है, रीजन मैं ये बता रहा था कि हमने N+L रूल के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी होती है, N+L के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी होती है। ये जो हमारे पास 3 या 4 वैल्यू है ना, इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी इसके लिए N की वैल्यू हमारे पास है 4, इसके लिए N की वैल्यू हमारे पास है 3, ठीक है, और अगर आपको याद हो ये जो L है इसे एज्यूमेबल क्वांटम नंबर कहते हैं और ये जो एज्यूमेबल क्वांटम नंबर है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, S, P, D और F की बात करें तो L की वैल्यू जो हमारे पास है वो 0 होती है,
इसके लिए 1 होती है, इसके लिए 2 होती है, इसके लिए 3 होती है, याद होनी चाहिए थी आप लोगों को, वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि याद होंगी। अब देखो s के लिए l की वैल्यू 0 है, तो इट मींस के हम यहां पर l की वैल्यू 0 लिख रहे हैं, और n plus l फिर हमारे पास इसका क्या होगा, इट विल बी 4, 4 plus 0 विल गिव यू 4, ठीक है। इस तरीके से इसकी बात करते हैं तो d के लिए हमारे पास l की वैल्यू क्या होती है, 2, सो हम लिख लेते हैं यहां पर l is equal to 2, सो इसके लिए n plus l वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इट विल बी 3 plus 2 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 5। तो हमने बात पढ़ी थी कि वो सबशेल जिसके लिए n plus l वैल्यू छोटी होती है वो पहले फिल होता है, जो वो सबशेल जिसके लिए n plus l वैल्यू बड़ी होती है वो बाद में फिल होता है, तो हम कहते हैं कि ये 4s पहले फिल होगा और 3d बाद में जो है वो फिल होगा, ठीक है जी। अभी चले आगे, बेसिक बहुत बेसिक है ये, आगे चलें भाई, बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत बेसिक है तो आगे चलते हैं। याद है सर, अरीशा को भी याद हो गया 4, हाँ बिल्कुल सही याद है भी, ठीक हो गया। तो अब वापस आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, आपको समझ आ जानी चाहिए थी कि भाई क्यों हम जो है पहले 3d को फिल कर 4s को फिल करते हैं फिर 3d की तरफ मूव करते हैं। अच्छा अभी देखा अब आ गया है, पहले मैं वैसे ही बता था वेबली तो सारे गए थे बोर्ड पे, समझा दें सर कोर्स खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो सकते हैं, मिलेंगे बिल्कुल जल्दी मिलेंगे, आप बेफिक्र रहे दिसंबर तक आप लोगों के लिए ये लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप जब MBBS कर रहे होंगे ना तब भी आप लेक्चर सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा तो टाइटेनियम की बात यहाँ पर, अच्छा इस तरीके से वेनेडियम है, क्रोमियम और जो कॉपर है ना, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ट्विस्ट है, ट्विस्ट मतलब कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करती है। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पहले हम 4s कंप्लीट करते हैं फिर 3d की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें इस लिस्ट में तो क्रोमियम और कॉपर वो एलिमेंट्स हैं जिनमें कि हमने 4s को हाफ फिल छोड़ा हुआ है और हमने इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल के हम 3d में लेकर गए हुए हैं, ठीक है जी, हम 3d में जो है लेकर गए हुए हैं, और उसकी रीजन बिल्कुल बता दी तुझी ने जो मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि जब भी हमारे पास सबशेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं या हाफली फिल्ड होते हैं, ठीक है, तो कंप्लीटली फिल्ड या हाफली फिल्ड सबशेल्स जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एटम को, तो इसलिए हमने जो है क्रोमियम के केस के अंदर देखा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से चला जाता है टूवर्ड्स 3d, और इस तरीके से क्या होता है कि 3d जो है वो हाफली फिल्ड हो जाएगा और 4s भी हाफली फिल्ड हो जाएगा, तो ये दोनों स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से अगर आप देखें तो जो कॉपर है, ठीक है, इसकी अगर आप देख लें उसमें 29 होता है, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है टू मेक इट कंप्लीट, ठीक है, 3d 10 हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड सबशेल है और 4s हाफली फिल्ड है, ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास इस तरीके से बिहेव करते हैं। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का हो तो बता दें, ये तो आगे चलेंगे। केमिस्ट्री है और एक्सेप्शंस ना हो भाई, यार एक्सेप्शंस के साथ रीजन भी तो प्रोवाइड कर रहा हूँ सर, अभी वो बात नहीं करती लेकिन एंड पर मेरी बात सुन ले लीजिएगा प्लीज, ठीक है जी, मैं सुन लूंगा, आप बताएं यहाँ तक कोई मसला कोई कंफ्यूजन तो बता दें, तो आगे चलते हैं। एक्सेप्शन तैयबा विद रीजन है ना, विद रीजन एक्सेप्शन है हर एक की, ठीक है सर, ये समझ नहीं आई भाई, बड़ा सिंपल है हमाद, हमने ये बात पढ़ी भी है कि जब भी हमारा सबशेल कंप्लीटली फिल्ड हो या हाफली फिल्ड हो, इन दोनों केसेस के अंदर ये एटम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो इन केस ऑफ क्रोमियम, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 25 था, तो फिर क्या हुआ कि भी एक इलेक्ट्रॉन, बल्कि 20, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है जी, तो इस वजह से हमने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, वो 4s से चला जाता है 3d के अंदर ताकि दोनों के दोनों हाफली फिल्ड हो जाएं और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक हो गया। और जहां तक तो कॉपर की बात है, तो इसमें चूंकि 29 इसका एटॉमिक नंबर है, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकल के 3d में आता है ताकि एक 3d को कंप्लीटली फिल करे और खुद हाफली फिल्ड होते हुए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है सर, ये तो कोई रीजन ना हुई कि फिल हो रहा है तो मगर उसे छोड़कर यार ये स्टेबिलिटी को देखो ना, आप ये भी कहो कि भाई ये 2d वो सॉरी डुप्लेट और ऑक्टेट क्या है, क्या मसला है इनको, भाई डुप्लेट ऑक्टेट क्यों स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फिर ये क्वेश्चन भी पूछो, फिर ये क्वेश्चन भी पूछो कि मेरा नाम जो है वो रमीजी क्यों रखा, कोई और क्यों नहीं रखा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हर एक में इस तरह की बात आ जाएगी कि ऐसा क्यों है तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है तो ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है ना, तो जितने क्वेश्चंस उतने ही कॉम्प्लिकेशन उतने ही कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक है। कोई और मसला नहीं हो सकता 3d 4 और 3d 9 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है इन केस के अगर हम इनको क्या करें एटॉमिक फॉर्म के बजाय आयनिक फॉर्म में राइट करें, उस केस में हो सकता है, लेकिन एटॉमिक फॉर्म में ये स्टेबिलिटी गेन करते हैं जब इनका 3d कंप्लीटली फिल्ड हो या हाफली फिल्ड हो, और 4s जो है या तो कंप्लीटली फिल्ड या हाफली फिल्ड हो। रमीज हाँ वेंस वांट्स टू बी परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा तलहा आपने सर, मैगनीज का 4s फुल
फिल्ड है तो इट इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम. अगर आप जरा गौर करें तो तमाम एलिमेंट्स, कैंडियम की बात करते हैं, टाइटेनियम की बात करते हैं, वेनेडियम की बात करते हैं, इन सबका 4s कंप्लीटली फिल्ड है वानिया. ठीक है, हम अगर जो कंपैरिजन करते हैं तो वो करते हैं कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसके पास आती है, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तब आती है कि जब 4s कंप्लीटली फिल्ड था तो 3d भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे तो वो मोर स्टेबल एलिमेंट होगा. तो ये सिर्फ क्रोमियम के केस में है या फिर वो कॉपर के केस में आता है. ठीक हो गया, कोई और मसला? सही है ना भाई रमीज, कॉपर और क्रोमियम में ये एक्सेप्शंस क्यों आती हैं? यही तो बताया हमरा कि भाई इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गाइड करें तो इसमें 4s इलेक्ट्रॉन 3d को दे देता है ताकि वो भी कम्प्लीटली फिल्ड या हाफली फिल्ड हो जाए, ताकि ये दोनों के दोनों सबशेल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एटम को प्रोवाइड कर सकें. इसलिए मैंने कहा था कि भाई ये करते हैं इस तरह से कुछ. ठीक है जी, और कोई बात? मैं खुद हैरान हूँ कि मेरा नाम फरहान किसने मतलब क्यों रखा, वैसे रखा किसने था कि तो मुझे पता है, लेकिन क्यों रखा था ये मुझे भी नहीं पता. ठीक है ना, मानू आप भी पूछना, फिर मैं भी पूछ के बताऊंगा. ठीक है, मेरा नाम क्यों है ऐसा? एन प्लस एल का क्या हुआ? देखो समझ आ गई है अभी, ठीक हो गया. बस अभी डिस्कशन फर्दर नहीं करेंगे, आगे चलेंगे. और इस वक्त हम नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि पहले भी क्वेश्चन ने किया था, वो हम डिस्कस करेंगे. तो नहीं भाई, टिपिकल और नॉन टिपिकल की जो है बात यहाँ पर आ चुकी है. सर इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में आएगा, बिल्कुल भाई, वो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से 3d में आ जाएगा, जिससे कि क्या हो जाए, क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड कर दें. ठीक है, अच्छा भाई टिपिकल और नॉन टिपिकल की बात करते हैं. भी सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, मतलब नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कौन से होते हैं. वो एलिमेंट्स के जो ग्रुप 2b से बिलोंग करते हों और 3b से बिलोंग करते हों, दीज टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स. देखो इसको क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, रीजन क्या है, व्हाई वी आर कॉलिंग देम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स. रीजन ये है कि देखो हमने शुरू में ये बात पढ़ी थी, शुरू में हमने इस चीज को जो है डिफाइन किया था. ठीक है, कि भाई वो एलिमेंट्स के जो क्या करते होंगे भाई, जो हम कहते हैं कि अपना डी सबशेल अंडर फिलिंग प्रोसेस में रखेंगे या एफ सबशेल अंडर फिलिंग प्रोसेस में रखेंगे, इनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, अब यहां पर सेकंड बी की बात कर लेते हैं, सेकंड बी हो या इवन थर्ड बी हो, ठीक है, इन एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वो एलिमेंट्स हैं कि जो हम कहते हैं कि अपने स्टेबल यानी एटॉमिक फॉर्म के अंदर हम कहते हैं कि भी इनका जो डी सबशेल है, ठीक है, या फिर हम कहते हैं एफ सबशेल है, वो कंप्लीटली फिल्ड है. ठीक है, तो वो जो डेफिनेशन थी, ठीक है, उस पर ये पूरा नहीं उतरते, तो इसी बुनियाद पर इनको हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अगरचा ये डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतर रहे, लेकिन इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या करती हैं, वो मैच करती हैं, ठीक है, विद ट्रांजिशन एलिमेंट्स. दैट इज व्हाई दे आर कंसीडर्ड टू बी एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट दे आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये सोल या आप कह सकते हैं कि जो बेसिक डेफिनेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उस पर पूरा नहीं उतर रही. मेंशन किया हुआ है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड बी, ठीक है, एंड थर्ड बी, ठीक है जी, आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है जी, इस तरीके से क्विनिश मेटल की इसने बात की हुई है, कॉपर है, सिल्वर है, और इस तरीके से गोल्ड है, आर कंसिडर टू बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज थर्ड डी ऑर्बिटल ऑफ आर, ठीक है जी, आर इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, इन दियर आयनिक स्टेट. उनकी आयनिक स्टेट के अंदर हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होंगे, वो अंडर फिलिंग प्रोसेस जो है वो मौजूद होंगे. ठीक हो गया, जबकि हम बात करते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ठीक है जी, तो वो तमाम के जो क्या हों, जिनके अंदर जो डेफिनेशन को पूरा करते हों ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जिसमें डी और एफ सबशेल जो है वो अंडर फिलिंग प्रोसेस हो, ठीक है, इनको हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. तो सिर्फ सेकंड बी और थर्ड बी नॉन टिपिकल हैं, बाकी सारे टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे. और मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो डी ब्लॉक है इनको हम आउटर कहते हैं, और जो हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. यहां तक कुछ पूछने आप लोगों ने तो बताते हैं भाई रमीज फिर बातें करने लगी और महरूर आप भी गप्पे मार रही हो, फिर मैंने डांट दिया तो आप लोगों ने कहना है कि सर डांट दिया मुझे. ठीक है सर, आप पाकिस्तानी कॉइन्स कौन से मेटल के बने होते हैं भाई?
रिबा, अब तो हम दिखते नहीं, कॉइन्स नजर ही नहीं आते। पहले वक्त थी जब हमारे पास जो है वो चांदी के जो है वो बना करते थे, बड़ा महंगा हो गया अब तो, ठीक है। अब मोस्टली तो आप ये कॉपर या जिंक जो है इसकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक, या फिर ये है कि अलॉय अलॉय के थ्रू मतलब बना रहे होते हैं, ठीक है जी। ट्राई पॉजिटिव आयन का बता दें। ट्राई पॉजिटिव का मतलब होता है कि जो 3+3 चार्ज कैरी करता हो, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके अपने पर +3 चार्ज कैरी करवाए। तो यहाँ सर सर एग्जैक्टली जिंक तो फुली फिल्ड है ना? बिल्कुल, जिंक फुली फिल्ड है, उसका जो डी सब्शन है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो जो हमारी डेफिनेशन थी उस पर पूरा नहीं उतर रहा, इसलिए दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कोई और मसला? हाँ जी भाई, बातें करने से खत्म हो गई, फुर्सत मिलेगी तो रिवीज आपको नॉन टिपिकल का समझ आ जाता। नॉन टिपिकल वो होते हैं कि जिन जिनका डी या एफ सबशेल अंडर कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड हो, जो कि हम कहते हैं कि हाँ, जो जो हम कहते हैं कि जो डेफिनेशन है डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की उसको पूरा ना करते हो, फुलफिल ना करते हो, इनको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ऐसे तो कॉपर का भी कंपनी का भी बीस का भी फील्ड है सर, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, कॉपर की बात करते हैं ना, हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी? हमने डेफिनेशन लिखी थी कि या तो एक एटम स्टेबल फॉर्म यानी न्यूट्रल फॉर्म के अंदर, या वो अपनी आनिक फॉर्म के अंदर अगर डी या एफ सबशेल अंडर फिलिंग प्रोसेस रखेगा, तो इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जो कॉपर है ना, ठीक है, वो इन इट्स आयनिक स्टेट वो क्या कहता है भाई, वो इस डेफिनेशन को फुलफिल करता है, दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी एज टिपिकल वन, ठीक है, इसको हम टिपिकल कहते हैं, ठीक हो गया। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ए, क्या मतलब समझ गए? कोई और मसला, कोई और कंफ्यूजन? कोई और मसला है तो बता दे, नहीं तो हम आगे चलते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे और उनका ट्रेंड हम देखेंगे। कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है तो बता दे, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। कोई मसला नहीं है, चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात कर लेते हैं कि ये क्या होती हैं। अब देखो जरा, अगर हम बात करते हैं भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो इन इनके मोस्टली तौर पे जो ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, क्योंकि इनके पास जो है वो क्या होते हैं कि भाई इनके पास डी सबशेल या एफ सबशेल अंडर फिलिंग प्रोसेस होता है, 4s इससे पहले फिल हो चुका होता है, ठीक है। तो ये 4s को भी इन्वॉल्व करते हैं बाजू का जो है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है ये डी को भी इन्वॉल्व करते हैं, तो चूंकि इन दोनों का ये इस्तेमाल करते हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई क्या होगा कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो वेरी करेंगी, जैसे कि आप इस वक्त देख भी रहे हैं। यानी मैंने रीजन भी प्रोवाइड की भी यहाँ पर कि इट इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन बॉन्डिंग इन एडिशन टू आउटर एस सबशेल, ठीक है जी। सो इस वजह से हम कहते हैं, बिल्कुल सर आप करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो, सिर्फ ये हम कर लें तो फिर मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ आज का टेस्ट, ठीक है, उसमें एमसीक्यूज करेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे और उससे हम बात भी करेंगे, ठीक है। स्कैंडियम की अगर आप देख लें, ये मैंने वैसे तो आप पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन की हुई है, ये 3D जो हमारे पास सीरीज है, ठीक है, जो कहते हैं कि थर्ड जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम कह सकते हैं, या 3D ट्रांजिशन सीरीज इसको कहते हैं, उसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ मेंशन की हुई है। स्कैंडियम +2 +3 करता है, इस तरीके से टाइटेनियम है, और आहिस्ता आहिस्ता ये नंबर ऑफ जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ती हैं अप टू मैंगनीज, क्योंकि हम जानते हैं कि वहां तक हमारे पास क्या होगा, जो हाफली फिल्ड एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनकी तादाद बढ़ेगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ हाफ फिल्ड जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम होते जाएंगे, और हमारी ट्रांजिशन जो क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो भी कम होती जाएंगी, ठीक है। सर अगर थियोरेटिकल एग्जाम्स देना हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन भी याद करना है ना? बिल्कुल भाई, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा करना पड़ेगा। बताएं, यहाँ तक समझ आ गई है? हाँ जी भाई, टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, कुछ पूछना है आप लोगों ने टेस्ट के हवाले से? नहीं पूछना तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक एमसीक्यू आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपने एमसीक्यू नहीं पूछने टेस्ट के, तो मैं आपके साथ एक टेस्ट एक एमसीक्यू शेयर करता हूँ, जिसको आप लोग होपफुली इंजॉय करेंगे। बताएं जल्दी से, कुछ पूछने आप लोगों ने टेस्ट के हवाले से, नहीं तो हम फिर वो एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। नो क्वेश्चन सर, थैंक्स अ लॉट। चलिए भाई, अब एक एमसीक्यू की स्टेटमेंट राइट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, वो जरा सॉल्व करके दिखाए ना, देखता हूँ क्या सीखा है आपने अब तक।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दे मुझे। ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स, ठीक है जी, ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स हैज अ कॉन्फ़िगरेशन, हैज अ कॉन्फ़िगरेशन और कौन 4s1 3d4, ठीक है जी, इन इट्स प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स एटॉमिक नंबर इज 25, जी इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? ए ऑप्शन आपको गिवन है 25, बी ऑप्शन आपको गिवन है 26, सी ऑप्शन आपके लिए है 22 एंड डी ऑप्शन इज 19। बताएं इसके हवाले से, कोई खामोशी छा गई है, बता दो इसका आंसर। ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स हैज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई इसकी, इन इट्स प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स एटॉमिक नंबर इज, अब बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन बनता है, जल्दी से बताना आप लोगों ने। समझ नहीं आई भाई महानूर, क्या किया आपने, क्या क्वेश्चन पूछा है? हाँ भाई बता दिया, गेस्ट वर्क कर दिया आप लोगों ने, 23 बी बी बी, ये तो आपने डिसाइड करना है कि ये क्या है। जल्दी जल्दी बता दें, बाकी सारे कैलकुलेशन में लगे हुए। चले भी डिस्कस करते हैं, देखो जरा मैं आप लोगों के साथ जो है पहले एक स्लाइड शेयर करता हूं जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई भी है, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को लेकर आऊंगा इसमें, मतलब टॉपिक पे, यानी जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है उस पर लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। इस पर गौर करें, इस स्लाइड पर जरा गौर करें, आप लोग देख रहे हैं यहां पर इस स्लाइड पर कि आपको जो है प्रोवाइड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रोवाइड की गई है। अगर आप जो है इस पे जरा गौर करें तो इसमें देखें, आर्गन की बात कर लेते हैं सबसे पहले, सॉरी स्कैंडियम की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, इसमें 3d1 है ये, ठीक है, और 3d1 इंडिकेट करता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 21 होगा, ठीक है। उसके बाद फिर टाइटेनियम 22 है, वेनेडियम 23 है, क्रोमियम 24 है, चार इलेक्ट्रॉन इसके डी सब शेल के जो है अंदर हमारे पास आते हैं, ठीक है। इस तरीके से 23, 24, फिर उसके बाद मैग्नीज 25 आ जाएगा, ठीक हो गया, और उसके बाद फिर हमारे पास आयरन 26 होगा, कोबाल्ट 27 होगा, निकल 28 होगा, कॉपर 29 होगा और जिंक 30 होगा। याद करने का तरीका क्या है कि जब आपके पास डी सबशेल की हम बात करते हैं ना, डी सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन उसने दिए होते हैं, अगर जो वो आयन की बात नहीं कर रहा, एक एटम की बात कर रहा है, अगर सिंगल एक एटम की बात कर रहा है, तो अगर जितने इलेक्ट्रॉन उसके डी सबशेल में हैं, आप ये याद रखिएगा, हम 3d की बात कर रहे हैं तो वो 21, अगर एक इलेक्ट्रॉन 21, दो हो तो 22, तीन हो तो 24, चार हो तो 25, पांच हो तो 26, बल्कि पांच हो तो 25, ठीक है, छह हो तो 26, सात हो तो 27, आठ हो तो 28, नौ हो तो 29, और अगर 10 इलेक्ट्रॉन उसने डी में डाले में तो वो 30 को शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है। समझ आइए आप लोगों को इस बात की, तो ये दिखाने का वापिस मतलब ये था कि डी सबशेल से आपको हिंट मिलता है, 3d की बात कर रहा हूं, 3d से आपको हिंट मिलता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं लेकर आता हूं आप लोगों को यहां पर,
बोर्ड पर। अब उसने स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस थ्री कौन होता है कि तीन इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हुए, तीन इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे, तीन इलेक्ट्रॉन कहां से उसने लूज किए, एक इलेक्ट्रॉन गया है एस से, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर एस से सिर्फ एक गया तो डी से दो गए हुए, और अगर डी से दो गए हुए तो इट मीन्स कि इसकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d की क्या होनी चाहिए थी, इट विल बी 3d6। और मैं आपको बताया कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो डी में तो वो 26 होता है, तो इसका राइट ऑप्शन 26 था। इट्स टू सिंपल, 26 था। अगर ये तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से गया और दो इलेक्ट्रॉन डी से गए, और अगर दो इलेक्ट्रॉन इसमें हम डाल दें तो ये बनता है 3d6, और 3d6 किस चीज को शो करता है, 26 को शो करता है। तो ये इसका आंसर था। हाँ है। रिपीट कर दूं, मैंने वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टेबल आपको दिखाया था, उसकी रीजन क्या थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी में जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं ठीक है वो शो कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, अगर डी में एक है तो 21, दो है तो 22, तीन है तो 23, अगर चार इलेक्ट्रॉन आ जाए डी में तो 24, अगर पांच आ जाए तो 25, छह आ जाए 26, सात आ जाए 27, आठ डी में हो 28, नौ हो तो 29, और अगर 10 हो जाए तो हम कहते हैं 30 होते हैं। आगे समझ, ठीक है। अब देखो, हमने कहा तीन इलेक्ट्रॉन निकाले हुए, तो तीन में से एक इलेक्ट्रॉन तो गया 4s से, बाकी दो इलेक्ट्रॉन जो थे वो डी से चले गए, ठीक है। और अगर डी से दो इलेक्ट्रॉन निकाले हुए तो एक्चुअल वे में कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास होने चाहिए थे, 6 होने चाहिए थे डी में, और अगर ये डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो तो हम कहते हैं ये 26 को शो करता है, 26 को रिफ्लेक्ट करता है। आई समझ भाई, याद करने की कदम जरूरत नहीं है यार, आपने सिर्फ डी सबशेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, और मोस्टली तौर पर वो 3D की बात करता है, आपको वो 4D और 5D में लेके नहीं जाता, वो इतनी कॉम्प्लिकेशन में नहीं लेकर आता, सिंपल की बात करता है वो। हाँ बिल्कुल, सिंपल काउंट कर ले बंदा, आर्गन के बाद यानी आर्गन का एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही है, उसके बाद सिर्फ अपने काउंट ही करना है। बताएं भी जल्दी से, कोई कंफ्यूजन? आगे समझ, ठीक है भाई। सिर्फ डी वाला पॉइंट रिपीट करते हैं यार, डी वाला पॉइंट सिंपल था, डी की मैं बात कर रहा था कि जितने इलेक्ट्रॉन डी में होते हैं ना उतने ही हमारे पास क्या होते हैं वो एटॉमिक नंबर को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है तो 21, ठीक है, दो है तो 22, तीन हो तो 23, चार हो तो 24, पांच हो तो 25, छह हो तो 26। अब तीन इलेक्ट्रॉन निकाले हुए, एक 4s से निकाला था, दो 3d से निकाले हुए, तो इट मींस कि इसके एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए थे डी में, 6 आने चाहिए थे, और ये 6 शो करता है 26 एटॉमिक नंबर को। सिंपल है, ठीक है जी। सो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कल तक के लिए दुआ में याद रखें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।